नमस्कार मैडम, आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 10 अक्टूबर रोड यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर, जहां पर चहलकदमी बढ़ गई है, हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो आपसे कुछ देर पहले अपने सरकारी आवास पहुंच चुके हैं, जहां से बैठकर वो बिहार की सियासत किया करते थे, देखा करते थे, वहीं पहुंच चुके हैं। राबड़ी देवी साथ में हैं और हरे रंग की गमछा पहने हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जब एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्हें प्रणाम करके सबका अभिवादन स्वीकार किया है, जितने उनके समर्थक एयरपोर्ट पर जुड़े हुए थे। और तेज प्रताप यादव यहाँ से वापस जा चुके हैं, वह 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी देवी के आवास के भीतर नहीं दाखिल हुए। तेजस्वी यादव अंदर गए, राबड़ी देवी अंदर गए, लालू प्रसाद यादव अंदर गए, उन तमाम लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव हरे रंग के गमछा पहनकर टोपी लगाकर वो बिहार तो पहुँच चुके हैं, लेकिन आते ही आते एक बड़ा भूचाल, तेज प्रताप यादव अंदर नहीं पहुँचे, वो यहीं से बाहर अपने आवास 2 MSN रोड लौट गए, क्योंकि वहाँ पर तैयारियाँ की गई थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव फिलहाल हरे रंग की गमछा पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए यहाँ पर भव्य स्वागत किया है। देखिए कैसे उनके आवास के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ लगी हुई है, गाड़ियों का काफिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव का ग्रैंड वेलकम तो किया गया है 3 साल के बाद बिहार की धरती पर, लेकिन तेज प्रताप यादव यहाँ से वापस लौट चुके हैं, वह अंदर दाखिल नहीं हुए हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पटना पहुँच चुके हैं, काफ़ी भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सभी लोग पहुंचे, लेकिन जब लालू यादव 10 अक्टूबर रोड पहुंच गए, तेज प्रताप यादव के घर नहीं पहुंचे। उसके बाद तेज प्रताप यादव यहां से सीधा अपने घर लौट गए हैं, अंदर नहीं गए हैं। एक बड़ा बवाल शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद यादव पटना तो पहुँच गए हैं, लेकिन खुशियों के साथ साथ कहीं तनाव भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। दिखा रहे, देखिए लालू प्रसाद यादव इस वक्त पहुंच चुके हैं।